पुलिसिंग मोड पर आपने देखा जो देखा कैसे सर फिर उसी मोड पर एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है देश को, मुस्लिम समाज में जो एक कुरीति है तलाक की, मुझे लगता है कि फिर उसी मोड़ पर जो है इस संदेश को पूरे देशवासियों को, पूरे मुस्लिम समाज को, उनकी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं मुस्लिम समाज में, उनकी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आ रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि फिल्म बहुत चले, और बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माननीय इंद्रेश जी के हाथों जो है जिस फिल्म का प्रीमियर शो हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रोड्यूसर को, वाजपेयी साहब को, और तमाम यूनिट के जितने भी कलाकार हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। कंवलजीत साहब हैं, गोविंद नामदेव है, दूसरे जितने भी कलाकार हैं, जीविदा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली फिल्म बहुत चलेगी और बहुत पसंद आएगी। जी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन मेरा नहीं है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द फिल्म मेकर्स, ऑल द एक्टर्स एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दिस फिल्म। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। और ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, वो बिल्कुल कुरान शरीफ में नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक हदीसेस में नहीं है, और कोई भी फिका में नहीं है। और ये जो है वो मुस्लिम्स जो मुसलमान कंट्रीज ने खुद इसको बैन किया है, खुद उसको निकाला गया है। देर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड इट इज़ बीन रिमूव्ड, लेकिन हमारी सेक्युलर डेमोक्रेसी में ये अभी तक चला आ रहा है। इसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है कि ये जो एंटी कुरानिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो अभी फिलहाल जो जजमेंट आया है वो एंटी जजमेंट है, उसके यानी कि इट इज़ जो अभी फिलहाल जो ऑर्डिनेंस आने वाला है, आई सपोर्ट दैट ऑर्डिनेंस। उसके ऑफकोर्स आई रिकमेंड अ फ्यू चेंजेस, एकदम जैसा है वैसा नहीं, थोड़े से उसमें अमेंडमेंट्स हो, लेकिन अब आना चाहिए। और इसमें मैं चाहती हूँ कि जो इंसान कुरान शरीफ को वायलेट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट किया, उसको सज़ा होना चाहिए। तो उसमें सज़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इस्लाम में। और ये किस्म का वायलेंस जो बताते हैं, मेंटल, फिजिकल, और यू नो दिस काइंड ऑफ वायलेंस, और ये फिल्म जो आपने पूछा एक सवाल, इट शुड बी मेड टैक्स फ्री। और ये सबको दिखाना है कि इस्लाम डज नॉट टीच सच इनह्यूमन एंड वायलेंट बिहेवियर फ्रॉम अ मैन। इस्लाम डज नॉट टीच पेट्रियार्की एंड मिसोजिनी जो प्रैक्टिस होती आ रही है, और जो अनफॉर्चुनेटली हैज़ कम विद इन आर सिस्टम, इसको निकाल देना चाहिए। और इसके लिए आई कंग्रेचुलेट ऑल दोज पीपल एंड द गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड। हालांकि आई डू नॉट बिलोंग टू अ पोलिटिकल पार्टी, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और आई थिंक दैट दिस फिल्म विल रन वेरी वेल, इट शुड बी शोन नेशनली एंड इंटरनेशनली, और सब महिला, यू सी आई फाइट फॉर द कॉज ऑफ ऑल वेमेन। सो ये मुस्लिम वेमेन के खिलाफ है, वायलेंस इज अगेंस्ट मैनी वेमेन इन द कंट्री, ऑल वेमेन इन द कंट्री। अलग अलग फॉर्म्स की वायलेंस होती है, इस किस्म की डाउरी डेथ से लड़कियों को जलाया जाता है, रेप किया जाता है, अभी आप देखिए जो रेप से विच इज ऑन द राइज, ये सब चीज़ों के खिलाफ इस किस्म की फिल्म बने तो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो, और हिंदुस्तान की सभ्यता, यू नो, उसकी मर्यादा जो सचमुच में है, और जो रिलीजन और इस्लाम की मर्यादा है, वो भी पूरी हो। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम शिखा इतकान है, और मैं इस फिल्म में जो नाज जी हैं उनकी बहू का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी है, इंटेलिजेंट भी है, बट उसको भी सफ़र करना पड़ता है इस तलाक से। तो जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसके जो उनकी सास के साथ, और वही सेम यही जो बहू है वो भी उसको फेस करती है, कितना पेन होता है, कितना दुख होता है, कैसा फील करती है। एक्चुअली जो पेन फील करता है उसी को पता है कि उसको कितना कितना दुख होता है। लोग सब देखते हैं, जो तलाक दे देते हैं सिर्फ वो देखते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि
ऐसा ना हो, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के रखना, सहज के रखना बहुत ज़रूरी है। ये बने रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा रहा केमिस्ट्री ऑल बड़े बड़े कलाकार मेरा उनके उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी तक हूँ, और तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सभी लोग, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे को एक्टर्स ने सभी ने मुझे अच्छे से खुलकर काम करने दिया। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी जो लेख जी थे जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए, और मैंने पूरे दिल से काम किया है, वो तो आप देखेंगे ही, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत लग रही थी आप पढ़ते थे, मैं देख रहा था तो सभी देख रहे थे कि आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपके किरदार को देखते हुए, कुछ कहना चाहिए? किसको देखते हुए? आपके किरदार, आप किरदार कर रही थी वो सब मेकअप दादा का कमाल ऐसा ऐसा कैसे कर पाई ये सब, कैसे हुआ, क्या कहना चाहिए? एक तो तैयारी तो क्या, खैर लेख सर को और हमारे जो डायरेक्टर हैं, को डायरेक्टर मिस्टर सुरेश बिश्नोई, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, उनका उन सबका बिलीव ने मुझे स्ट्रेंथ दिया वो काम करने का, वो पावर। और मैं एज एन एक्ट्रेस, एज यू नो, जैसे मैंने बताया मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी और चाहती हूँ और इसको फुलफिल करूँगी, तो एक जब ये रोल मुझे मिला तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इससे जो मैं चाहती हूँ मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से निभाऊँगी, तो मैंने पूरी कोशिश की उसे फुलफिल करने की और वो सक्सीड भी हुआ मेरी ओपिनियन में, एंड लेट्स सी आगे देखते हैं। सर मेरा नाम संजय शर्मा है, सेंटर कैमरा। मैं इस फिल्म में मौलवी का किरदार अदा किया हूँ, आबिद का, जो तोड़फोड़ मचाता रहता अपने स्वार्थ के लिए। मेरी बड़ी तमन्ना थी बहुत सालों से कि मैं लेख जी के साथ काम करूं, और मेरी इस तमन्ना को पूरा किया सुरेश जी ने। सुरेश जी ने मुझे लेख जी से मिलवाया था, और लेख जी देखे, मैंने कहा सर कोई ऑडिशन आप ले लीजिए, उन्होंने कहा चावल कितना पका हुआ है मुझे मालूम है, बस इतना ही उनका कहना था, ऑन हो गया मैं। काम उन्होंने बहुत बढ़िया से करवाया, बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, मुझे लगा नहीं कि मैं सिनेमा में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं अपने किसी नाटक में काम कर रहा हूँ। जो जो एक डायरेक्टर नहीं, एक मास्टर की तरह समझाते थे, छोटे छोटे चीज़ें